YouTube channel again, ठीक है? And today's practical would be basic restaurant etiquettes, the dining etiquettes that we have in basically restaurant premises, hotel premises, जो हम as a server और as a guest कभी भी हम होटल के अंदर जाते हैं, तो हमें few rules about restaurant table या dining etiquettes के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले before we sit down on a particular table, ठीक है? जब हम अपने होस्ट के साथ या किसी गेस्ट के साथ आते हैं तो क्या करना चाहिए बिफोर वी सिट डाउन, बैठने के बाद क्या करना है हमने, जैसे बेसिकली नैपकिन अनफोल्डिंग का प्रोसीजर हम सीखेंगे। थर्ड वुड बी वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग आवर रेस्टोरेंट कवर, हमारा रेस्टोरेंट का कवर कहाँ है, क्या है, इसमें से मेरी कौन सी चीज है, कौन सी चीज कैसे उठानी है, ठीक है, ये है। देन हम कटलरी किस तरह से पकड़ेंगे, बोथ अमेरिकन स्टाइल में और कॉन्टिनेंटल स्टाइल में। इसके बाद देयर आर फ्यू बेसिकली टेक्निक्स कह सकते हैं जिससे कि आप अपने सर्वर को हिंट दे सकते हैं कि वेदर यू हैव फिनिश्ड योर मील, वेदर यू लाइक द मील, वेदर यू वांट टू चेंज द नेक्स्ट मील। तो वो एक हम देयर आर फ्यू कटलरी के जो प्लेसमेंट है ऑन द टेबल जो हम रखते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारी जो है डिशेस या हमारा जो खाना है मील फिनिश हो चुकी है, नाउ यू यू शुड प्लेयर द प्लेयर। इसके बाद हम कुछ बेसिक जनरल रूल्स पढ़ेंगे जो कि हम हमेशा गलत करते हैं व्हाइल वी ईट फूड, ठीक है? एंड बेसिकली जो ग्लासेस हम पकड़ते हैं हैंडल करते हैं किस तरह से पकड़ने चाहिए, और ओवरऑल एक व्यू रहेगा हमारा इस सेशन में कि हम बेसिकली रेस्टोरेंट में एक वेल बिहेव्ड सोशल कह सकते हैं पर्सन किस तरह से बन सकते हैं अपनी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को सुधार के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम अपने होस्ट या गेस्ट के साथ कभी आते हैं तो सबसे पहले अगर आप होस्ट के साथ आ रहे हैं तो आप होस्ट का वेट करेंगे कि हाँ वो बैठने के लिए आपको ऑफर करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप गेस्ट के साथ आ रहे हैं तो आप अपने गेस्ट को एस्कॉर्ट करेंगे, अपने गेस्ट को बिठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास हॉस्टेस आ जाती है, अगर आपके पास स्टीवर्डेस आ जाती है या कह सकते हैं स्टीवर्ड आ जाता है तो आप उसका वेट करेंगे कि वो चेयर पुल करेगा आपकी और फिर आप उसमें बैठ सकते हैं। डन। जब आप सारे ग्रुप में आ गए हैं, लेट एवरीबॉडी कम नियर द टेबल, तब जब पहुंच गए तब आप फिर होस्ट का वेट करेंगे कि हाँ जी होस्ट बोलते चलो बैठते हैं, तब आप बैठ सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले गए होस्ट अभी बाहर खड़ा है और पहले बैठ के यहाँ। तो देयर आर फ्यू रेस्टोरेंट जहाँ पे आप रिजर्वेशन करके आते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके स्पेसिंग आपकी जो कवर के सामने आपका नाम भी लिखा होता है, ठीक है? वो थोड़ा हाईटेक जिसे कहते हैं रिजर्वेशन होती है जहाँ पे आपका प्रॉपरली डिजाइन होता है कौन बंदा कहाँ बैठेगा, तो उसके लिए यू हैव योर टेंट कार्ड्स नेम प्रिंटेड ऑन देम, ठीक है? उसके ऊपर आप फिर उसको गेस्ट को बिठा सकते हैं। तो बैठने का तरीका क्या है, बिफोर यू सिट डाउन ये तो बेसिक रूल है कि आप अपना फोन साइलेंट करके रखेंगे। कभी भी चाहे पर्सनल मीटिंग में जाते हैं या प्रोफेशनल मीटिंग में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपको अपना फोन साइलेंट करके रखना है जब भी आप होटल के प्रीमाइसेस में हो या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है? इट डजंट लुक नाइस कि आप फोन रिंगर पे रखा हुआ है, रिंग बोलिंग पे रखा हुआ है और आपका फोन ऑल ऑफ अ सडन रिंग होता है और आपके अगल बगल का जो एम्बियंस है तो आप अपना फोन साइलेंट रखेंगे। और देयर इज वन मोर थिंग, अपना फोन हमेशा पॉकेट में रखेंगे, ठीक है? इफ यू आर हैविंग अ ब्लेजर, आप कोट पहन के जा रहे हैं, तो आपके जो बटन्स है बिफोर यू सिट डाउन, आप बैठे, आपने चेयर पुल करी, जो नॉर्मल एटिकेट्स है, आपने बैठे चेयर अंदर एडजस्ट करी, नाउ यू आर ओके। अब आपका यहां से यू नीड टू टक इन प्लग इन जो आपका जो है टू आपके जो कोट के बटन होते हैं, आप इजीली फ्रीली बैठ सकते हैं। There is a provision also कि आप उस कोट को उठा के आप क्या कर सकते हो, आप even ask the server to keep it on a hanger platform. अगर if they have hangers तो उसको रख सकते हैं, otherwise एक सबसे simple तरीका है कि आप उसमें चेयर के पीछे रख सकते हैं। But एक अच्छे five star hotel में you will find hangers, तो आप अपना blazer वहाँ पे रख सकते हैं। Now I can easily free my hand. ठीक है? This is one thing. अब आप बैठ गए, आप बैठने के बाद आप
अपने हॉस्टेस का वेट करेंगे कि अगर या स्टीवर्ड का वेट करेंगे अगर इफ ही और शी अनफोल्ड्स द नैपकिन, अगर वो नैपकिन अनफोल्ड करता है आपका तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल डू इट योरसेल्फ। अपना नैपकिन अनफोल्ड करके आप अपनी लैप पे रख दें। यू विल नेवर कीप योर नैपकिन टक इन हियर, इस तरह से नहीं रखेंगे। इट डजंट लुक नाइस कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ फ्रॉम हियर। दिस इज बेसिकली चाइल्ड डिश, छोटे बच्चों को करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ बिब लगा दिया गले में, अपना बच्चा तो गंदगी फैलाएगा ही फैलाएगा, गिराएगा फूड। तो वी आर नॉट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, वी आर नाउ ग्रोन अप। तो हम थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हैं एंड नाउ व्हाट वी वांट इज वी विल कीप आवर नैपकिन। अब नैपकिन आपने रख लिया इस तरफ। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू गो आउट इन बिटवीन योर फूड, बीच में उठना पड़ता है आपको, जाना पड़ता है, यू हैव अ कॉल, आप कहीं भी वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज मी करके जाएंगे एंड यू विल नेवर एक्सप्लेन व्हाई यू आर गोइंग। यानी कि आई एम गोइंग टू वॉशरूम, बड़ी जोर से आया, जा, सिंपल सी चीज है। आप कभी ऐसा अनाउंस नहीं करेंगे कि उनसे एक्सक्यूज मी आई विल बी देयर इन मिनट, ठीक है? और हल्का सा पीछे चल करेंगे एंड देन देयर आर टू थिंग्स नाउ। एक या तो जो आपका नैपकिन है, या तो आप नैपकिन यू विल कीप इट हियर ऑन द साइड प्लेट साइड में रख लीजिए और ऑन द चेयर, एंड चेयर को अंदर करिए एंड देन डोंट टेक मोर मच टाइम, ठीक है? वापस आ जाइए, जल्दी आ जाइए। 5 मिनट इज ओके, 5 मिनट इज ओके, 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। इफ यू हैव कॉल तो कॉल अटेंड करिए, उसको फिनिश करने की कोशिश करिए जितनी जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इफ यू आर इन द लूप तो थोड़ा उसको ट्राई टू फिनिश इट अर्ली, ठीक है? और जो भी आपका काम है उसको फटाफट निपटा के कम बैक, बिकॉज आपका जो कलीग है, आपका जो पार्टनर है, यू नेवर नो, चाहे वो आपको होस्ट हो सकता है, चाहे वो गेस्ट हो सकता है, जिसको आप लेके आए, ही विल फील कि नहीं यार इतना टाइम हो गया आया नहीं इधर, और अकेले बंदे का टाइम कटना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, व्हेन यू कम बैक यू विल से आई एम बैक, यू विल अगेन पुल अप द चेयर, पिक अप द नैपकिन, ये कि नैपकिन के ऊपर बैठ गए नहीं, एंड देन अगेन अपनी चेयर, इनकी सेम प्रोसीजर, फिर से आपने नैपकिन अपनी लैप पे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पे आप बैठ चुके हैं। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज कि आप अपना व्हाइल यू आर स्पीकिंग विद समवन, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, तो आप अपना हाथ किस तरह से रख सकते हैं अंटिल योर फूड हैजंट कम इन। जब तक आपका खाना नहीं आता है आप नॉर्मली हाथ आप रख सकते हैं इजीली। द मोमेंट योर फूड अराइव्स आपका हाथ कभी भी टेबल के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्लियर? यस। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमारा कवर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें मेरी चीज क्या है, मैं ये चीज मेरी है या ये ग्लास मेरा है या मेरा ग्लास है, ये पता लगता है। वो तो फर्स्ट टाइम जो पहली बार जाते हैं, सिंस यू गाइस आर हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स, तो आपको पता हो जाएगा। नाउ वी आर आल्सो टेलिंग यू, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर सिटिंग इन अ टेबल आप गलत चीज ना उठा लें किसी और गेस्ट की होगी, क्योंकि अभी यहाँ तो यू हैव टू कवर्स, वहां पे क्या होता है यू हैव 4 कवर्स, तो साइड साइड में हर जगह भरा होता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ हर जगह चारों तरफ होगा, आपको पता लगेगा ही नहीं कि आपका ग्लास कौन सा, यू विल गेट कंफ्यूज। इसमें द बेस्ट वे इज टू सी कि एक होता है बी, दिस इज बी, दिस इज डी, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लेट रखी होगी बी एंड बी प्लेट, दैट वुड बी योर्स, ये बटर प्लेट, ब्रेड एंड बटर प्लेट आपकी बी, डी इज फॉर ड्रिंक्स, मेरी ड्रिंक वाला ग्लास है, अंडरस्टूड? सो सिंपल सिंपल बी एंड डी, तो डी फॉर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मेरी इस तरफ आ गई और ब्रेड एंड बटर प्लेट मेरी इस तरफ आ गई। क्लियर हो गया? अब यहां से आपको समझना पड़ेगा कि आपके रेस्टोरेंट में नॉर्मली इनफॉर्मल सेटअप में नॉर्मली आपके पास क्या होता है, यू हैव अ ब्रेड एंड बटर प्लेट, साथ में आपका बटर नाइफ होता है, देन यू हैव अ नाइफ एंड अ फोर्क, बस स्पून इज रेयर इनफॉर्मल सेटअप, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल जब आई एम कैरिंग माई कटलरी विद मी, तो ऑब्वियसली बात है जो जहां पे आपकी जो फोक की पोजीशन है इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आपका नाइफ इज इन द राइट हैंड साइड। अब यू हैव टू होल्ड सेम जो आपका जो फोक है आपको पेंसिल की तरह पकड़ना है, सिंपल लाइट सा, और उसको आपने हल्का सा ट्विस्ट कर देना है एंड देन अगेन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू स्टाइल्स, टू बेसिक टू कॉमन स्टाइल्स ऑफ ईटिंग फूड। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास दो स्टाइल्स हैं खाना खाने के, वन इज अमेरिकन स्टाइल एंड सेकेंड वन विल बी कॉन्टिनेंटल स्टाइल।
अमेरिकन स्टाइल क्या बोलता है कि अमेरिकन स्टाइल का कहना है कि आपको फोक आपके राइट हैंड साइड में पकड़ना है एंड नाइफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ना है एंड यू विल हैव टू यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर टू कट फूड स्लाइस फूड ठीक है और पिक द फूड खाना आपने पिक करने के बाद यू विल कीप दिस थिंग हियर एंड यू विल शिफ्ट दिस पर्टिकुलर फोक ऑन योर अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल होल्ड इट लाइक दिस एंड देन यू विल ईट फिर समझ लीजिए मैंने क्या कहा अमेरिकन स्टाइल कहता है कि नॉर्मली स्टैंडर्ड हमारा क्या है कि हमारे फोक लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे नाइफ राइट हैंड साइड पे रखा होगा बट अमेरिकन स्टाइल कहता है कि आप जब भी इसको पकड़ेंगे तो आपका फोक राइट हैंड साइड पे रहेगा और नाइफ लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा जब आप इसको खाना को पिकअप करेंगे कट करेंगे स्लाइस करेंगे जो भी करेंगे आप इसको यूज करके पिक करेंगे विद दिस पर्टिकुलर नाइफ कटिंग विल बी डन फ्रॉम दिस इसको आप ग्रैब करने के लिए इसको पिन कर देंगे पिन करने के बाद इसको स्लैंटिंग वे में ये नहीं कि सीधे खड़े काट रहे हैं नहीं स्लैंटिंग में इसको काट के स्लाइस को काट करके यू कैन पिक अप द वेजिटेबल और इसको हल्का सा साइड में रख के अगेन यू विल मूव दिस वे एंड यू विल ईट क्लियर अब अगेन जब हम फोक से खा रहे हैं तो मेरा जो ये हाथ है ये जो मेरा हाथ है इट विल नॉट बी ऑन द टेबल ये सिंपल इस तरफ आ जाएगा जब दोनों मैं चीज पकड़ रहा हूं तो मेरे तो बोथ हैंड्स आर माय एंगेज्ड ठीक है बट जब मैं अपना फोक इस्तेमाल कर रहा हूं तो फोक में मेरा दूसरा हाथ जो है साइड में जाएगा इट शुड नॉट बी ऑन द टेबल मैं इसको यूज करूंगा फिर से मेरे को काटना है अगेन आई विल गो बैक आई विल कट द फूड पिक अप द फूड एंड देन शिफ्ट देन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स अब कहने का मतलब है थोड़ा सा बार-बार आपको हाथ शिफ्ट करना पड़ता है बट दैट इज इट इज बट इससे बेस्ट तरीका क्या है कि कॉन्टिनेंटल में सिंपल सा तरीका है जैसे आपका फोक पकड़ा है जिस तरफ लेफ्ट में फोक है यह है इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको इसमें इट इज एज सिंपल एज दैट इस पे आप कटिए काटिए एंड देन ईट आप इस तरह से खा सकते हैं आपको अपने जो टाइम्स है इसके इसको टिल्ट करके खा सकते हैं या सिंपल इस तरह से खा सकते हैं बट व्हेन यू आर ईटिंग मेक श्योर आप कटलरी को अननेसेसरीली यहां वहां हाथ में लेके ना लें This is basic etiquette कि भाई जब when you are eating खा लिया साइड में कर दीजिए और चुपचाप करके बात करते रहिए हल्का साइड में लग जाता है use your napkin साइड से आप इसको wipe up कर देंगे पूरा napkin unfold करने की जरूरत नहीं है it will create a problem ठीक है जी now American style confirm continental style confirm अब इसके बाद क्या है नाउ लेट्स सपोज अभी तो सिंपल इनफॉर्मल था नाउ लेट्स सपोज इफ यू हैव अ फॉर्मल सेट सेटअप गिव मी स्पून प्लीज एक स्पून पास करिएगा अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ फॉर्मल सेटअप जहां पे आपका पूरा सूप आएगा स्टार्टर आएगा मेन कोर्स आएगा डेजर्ट आएगा डेजर्ट के लिए यू विल हैव स्पून एंड फोक नियर टू द फूड सेट यहां पे रखता हूं ठीक है फॉर एग्जांपल अभी मेरा सूप आया ऑब्वियसली बात है एक फुल स्पून रखा हुआ मेरे पास मैंने पी लिया देन आउट अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आई हैव सो मेनी ऑफ आई हैव टू और थ्री नाइफ्स विद मी एंड टू और थ्री फोक विद मी अब इसमें से मैं किसको अगला मेरा स्टार्टर आता है या सैलेड आता है मैं किसको उठाऊं इसमें अब प्रोसेस क्या कहती है स्ट्रेटजी क्या कहती है कि यू विल हैव टू मूव फ्रॉम आउट टू इन बाहर से अंदर आना है मैंने तो बाहर जो चीज रखी है मैंने दिस इज नाइफ एंड दिस इज फोक मैं बाहर की चीजें इस्तेमाल करता हूं क्लियर हो गया तो हम फॉर्मल टेबल सेटअप में हम कटलरी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं ना कि अंदर से बाहर तक ठीक है सूप फिनिश स्टार्टर फिनिश चेयर ले लो आप चेयर ले लीजिए देन आपका मेन कोर्स खाया आपने और मेन कोर्स खाने के बाद आपने यू विल टू द डेजर्ट लेवल अब यहां पे आप समझिए दो चीज एक चीज और आ गई एंड दैट वुड बी आपका प्लेसिंग द कटलरी अब आप खाना खा रहे हैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि खाना खाते समय फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं खाना खाते समय आपने कटलरी को रेस्ट पे रखना है और आप चुवी करिए ये ध्यान रखिए खाना खाते समय खाना मुंह में है बाइट्स मुंह में है आप बात नहीं करेंगे मुंह खोल के खाना नहीं खाएंगे ठीक है
वो क्लोजर के खाना खाता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। यू विल नेवर मिक्स फूड विद वाटर, ठीक है, कि खाना भी चबा रहे हैं और पानी भी पी लिया, तो फिनिश योर फूड एंड देन यू कैन ईट फूड, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप सपोज करिए, लेट्स सपोज आई एम हैविंग माय फूड, अब मेरा जो सर्वर खड़ा है इसको कैसे पता लगेगा कि मैं आई एम स्टिल ईटिंग, तो मेरा जो फोक और नाइफ की पोजीशन होगी वो खुली होगी। इट इज वेरी मस्ट कह सकते हैं आप, बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे आपका जो फोक है और नाइफ है वो क्या है, आप कभी भी इसको क्लोज लेके नहीं आएंगे, आप इसको साइड में रख सकते हैं हल्का सा। दिस मींस आई हैवंट फिनिश्ड येट, आई एम ऑन अ ब्रेक, मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे मुंह में खाना, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। जब मैंने खाना फिनिश कर लिया, आई वॉन्ट नाउ समवन टू क्लियर माय प्लेट, एंड दैट वुड बी ईदर इन दिस डायरेक्शन या सीधा इस तरफ रखिए, ठीक है, तो आप इनको क्लोज लेके आएंगे। तो माय सर्वर विल अंडरस्टैंड नाउ आई हैव फिनिश्ड माय फूड, नाउ ही कैन टेक, ही कैन क्लियर द प्लेट। सेकंड, तीसरा, अगर आई वांट टू मूव टू नेक्स्ट कोर्स, लेट्स सपोज मैंने सूप पीने के बाद, सूप का तो कोई दिक्कत नहीं, बट सैलेड खाने के बाद या स्टार्टर खाने के बाद आई वांट टू मूव टू नेक्स्ट कोर्स, आई वांट माय मेन कोर्स टू बी प्लेस, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना, मेरी जो पोजीशन रहेगी, मेरा नाइफ जो होगा, नाइफ आपके फोक के नीचे चल जाएगा और इट विल बी लाइक यू नो क्रॉस, इस तरह चल जाएगा। इट मींस कि मेरा जो फूड है, आप नेक्स्ट फूड जो भी मैंने ऑर्डर करना है, जो मैंने जो फिक्स किया हुआ है वो आप लेके आइए, प्लेट में लीजिए, ठीक है। अगर मेरे को खाना ठीक नहीं लगा, आई डिडंट एंजॉय द फूड, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्रॉस करके अपना फोक जो है इस तरह से रखना पड़ेगा, फोक के अंदर आपको नाइफ एडजस्ट करके, यू हैव टू प्लेस इट हियर एंड गेस्ट कैन अंडरस्टैंड, सर्वर कैन अंडरस्टैंड कि भाई इट डिडंट लाइक फूड, देयर आर अदर वेज आल्सो कि खाना आपका साइड में रखा हुआ है, यू हैवंट फिनिश्ड द फूड, कंप्लीट फूड फिनिश नहीं किया, तो पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप इस तरह से भी रख सकते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड, द पर्सन विल अंडरस्टैंड कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगेन यहां से सब कुछ चला गया, फॉर एग्जांपल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, नाउ इट्स टाइम फॉर द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या था कि देखिए आपकी जो कटलरी प्लेस होती है वो इस तरह से होती है, हमने कहा स्पून इस तरफ आते हैं और फोक इस तरफ आते हैं, तो हम इसको अगर सीधा लेके जाए तो वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से नॉर्मल सिचुएशन क्या कहती है कि आपको देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर फॉर डेजर्ट, तो सर्वर कैन टेक इट अवे, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द डेजर्ट, तो आई विल फिनिश माय डेजर्ट, काम खत्म। अब यहां से एक चीज और है कि जब आप स्टार्टिंग में ब्रेड एंड बटर खाते हैं, ब्रेड एंड बटर विल बी सर्व इन अ बीएनबी प्लेट विद आपका नाइफ, कई होटल तो आपकी बीएनबी इस तरह ऊपर रखते हैं और कई होटल इस तरह रखते हैं नॉर्मली साइड प्लेट्स आपकी। अब मान लीजिए आपके पास ब्रेड एंड बटर प्लेट यहाँ है और बटर नाइफ यहाँ है, अब बटर नाइफ के बाद लेट्स सपोज गेस्ट ने आपको ब्रेड रोल रख दिया, सॉरी आपने सर्वर ने ब्रेड रोल रख दिया, अब आप जब बटर लेंगे तो बटर डिश से आप बटर निकाल के अपनी प्लेट पे रखेंगे, प्लेट पे रख दिया ना, यहाँ पे दो चीजें, दो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं कि अपने जो पूरा ब्रेड रोल है उसके ऊपर पूरा ब्रेड लगा लेंगे, स्लाइस अपने बटर लगा लेंगे, बट कुछ कंट्रीज इसको अच्छा नहीं मानते, वो अपने हाथ से ब्रेड तोड़ेंगे, जितना पीस उनके पास आया उससे अतुलता बटर लगा के उसी पे लगा के उसको खाते हैं, रेस्ट बटर रेस्ट आपकी जो बीएनबी पे आपका जो ब्रेड रोल्स है या ब्रेड पड़ा है, टोस्ट पड़ा है और जो आपका साथ में बटर पड़ा है वो वैसे रहते हैं, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, ये अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से चलता है, ठीक है जी। हम ब्रेड्स को कभी हाथ से नहीं काटते, सॉरी से काटते, नाइफ एंड फोक से नहीं काटते, ब्रेड्स आर ऑलवेज ईटन विद हैंड, सिंपल चीज है। दूसरी चीज, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय अगर इफ यू हैव फिंगर फूड में क्या है, आपको हाथ का इस्तेमाल, इंडियन फूड में हाथों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है,
ठीक है। अब मान लीजिए इफ यू आर यूजिंग हैंड्स, अब सबसे जल्दी आदत जो हमारी इंडियंस की हम जो करते हैं कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, इट डजंट लुक नाइस। दूसरी चीज, हम ऐसे नहीं कि हम ही हैं, कई फॉरेनर्स भी आपको देखा होगा इंडियन काट कटिंग करते समय फिर उसको खा लिया फिर उसके जो बचा है ना इसको भी रॉन्ग। चाहे खाना जितना मर्जी टेस्टी क्यों ना हो, आप ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप ग्लासेस पकड़ेंगे उसके बेस से पकड़ेंगे, हमने पढ़ा ही था, अगर हमारे पास 10 ग्लास है, एक शैंपेन ग्लास, अगर जब हमारे पास मान लीजिए शैंपेन ग्लास है जिसके अंदर स्टेम है, तो हम उसको उसकी स्टेम से पकड़ते हैं, क्लियर है। हम कभी भी कोई चीज पास करनी है, हम क्रॉस नहीं जाते, हम साइड से पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने बैठा गेस्ट मेरे से मांग रहा है क्रूवेट से सॉल्ट एंड पेपर, ही आस्क्ड मी फॉर सॉल्ट, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले ही बताया था कि आप सॉल्ट एंड पेपर का पेयर इकट्ठे ही पास करेंगे, ये नहीं कि आपने उसे सॉल्ट मांगा तो सॉल्ट दे दिया पेपर रह गया, इट इज नॉट गुड, आप हमेशा इसको पेयर में देंगे। दूसरी चीज, अगर कोई गेस्ट आपसे, यू हैव अ ब्रेड बास्केट फॉर एग्जांपल, आपके पास ब्रेड बास्केट है, ब्रेड बास्केट है आपके पास, इसके अंदर ब्रेड है और आपके सामने रखी है मुंह के, कोई गेस्ट आपसे ब्रेड मांगता है, आपके रोटी मांगता है, आप क्या करते हो, देखा देखा तो बोलिए पहले डाल दो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। कि हाँ, इवन अपने घरों में देखा होगा कि घर पे हमेशा हम ऑफर करते हैं, मम्मी चावल डाल दो, मम्मी रोटी देना, तो वो पूरी पूरी हॉटकेस या जो आपकी जो जो जिसमें आप कैरी करते हैं उसको आगे रख के आप खा लो, तो ये चीज बेसिक कॉमन है और जहां हमेशा गलती करते हैं कि उसने रोटी मांगी, ये ले रोटी खा, ब्रेड अच्छा रुक जाओ खत्म हो, पोर्शन बाउल आया। अब ये भी जब हम ग्रुप्स पे बैठते हैं खाना खाने, तो देखो ये ध्यान रखना होता है कि जब आप यू आर टेकिंग फूड फ्रॉम, वैसे तो हम सिल्वर सर्विस में गेस्ट को सर्व करेगा, सो सर्वर को सर्व करेगा, बट फॉर एग्जांपल अगर फैमिली स्टाइल सर्विस है, फैमिली स्टाइल में क्या है कि होस्ट आपको अपना सर्व करके सबको देगा, आप सबको बांटेगा, तो मान लीजिए अगर आपके पास पोर्शन बाउल आ गया और आप ये नहीं कि अभी दो लोगों को सर्व और आपने सारा ही खत्म कर दिया, अगले वाले थोड़ा सा बचा अपनी पूरी प्लेट भर ली, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बहुत गलत होता है, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में छींके मारेंगे बट यू विल कवर इट विद द नैपकिन, ऑब्वियस सी बात है, स्नीज करते हैं, कफ करते हैं तो हम हैंकी रखते ही हैं। तीसरी चीज, अभी आपके कभी दांत में कभी कुछ फंस जाए देन यू प्ले, दूसरा बंदे का टाइम पास अच्छा आता है, सामने बैठा और पता लगता है कहां आपके दांत में फंसा हुआ, नहीं यहां नहीं वहां देखो वहां पूरा पूरा उस तरफ उस तरफ, क्या होता है, इट डजंट लुक नाइस। आप फिर कुछ ही मिलता है अननेसेसरी, आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको नॉर्मली नहीं निकल रहा है और आप अपने हाथ को कवर करिए, देन यू अपने टंग से उसको ट्राई टू रिमूव, अगर नहीं होता है तो एक्सक्यूज मी करके आप वॉशरूम जाइए, वहां पे आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इफ यू हैव टूथपिक विद यू टूथपिक से आप उसको साइड से कर सकते हैं, बट कवर करके, ये ध्यान रखना, बहुत गंदा लगता है, सबने किया, मैंने भी किया होगा अपने टाइम पे, सबने करा है, ठीक है। तो दैट इज नॉट, खाना खाते समय आवाज नहीं करनी, कटलरी और क्रॉकरी, नाउ दिस इज अ प्लास्टिक वन बट हमारे पास सिरामिक्स की होती है, कटलरी की आवाज अननेसेसरी नहीं करनी, या आता ही नहीं करते तो साउंड जो है बहुत गंदी होती है, और रेस्टोरेंट जब शांत होता है तो आपके अगल बगल वाले भी डिस्टर्ब हैं। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें से कुछ पूछना हो कुछ? नो सर। कुछ एक अदर क्वेश्चन कुछ? नो सर। जब भी हम, और हाँ, होस्ट के साथ आए हैं, वंस यू हैड फूड, उसको थैंक यू बोलना बनता है, उसको थैंक यू बोलना बनता है कि थैंक यू सो मच फॉर अ लवली लंच, लवली डिनर, जो भी था, वी एंजॉयड अ लॉट।
नॉर्मली तो हम जब आपका होस्ट पता ही है वो आपको लेके जा रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल पे लेके जा रहा है तो इट इज बेस्ट कि आप उसको अच्छा एक और चीज है अगर इफ समबडी इनवाइट्स यू फॉर एनी ओकेजन एनी इवेंट मान लीजिए बर्थडे है आपको 24 आवर्स है उसका रिप्लाई देने के लिए एक्सट्रीम केसेस में 72 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स जब आप यहाँ पे होम आउट स्टेशन पे हैं या कुछ इमरजेंसी में है तब आप कर सकते हैं बट इट इज नॉर्मली 24 आवर्स में आपको अपने रिप्लाई देना है कि भाई हाँ जी मैं आऊंगा नहीं आऊंगा दिस इज कर्टसी दूसरी चीज जब आपका गेस्ट आपको होस्ट आपको लेके आ रहा है तो आप अपने होस्ट के लिए डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको गिफ्ट बनता है यस और नो तो वो भी आप उससे उसका लेके आए चाहे फ्लावर ले आइए चाहे कुछ भी ओकेजन के हिसाब से आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं तीसरी चीज अगर आप खुद होस्ट हैं तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपने जो जितनी भी टेबल की अरेंजमेंट्स करी हैं इट इज प्रायर बिलिंग का सेटलमेंट आपको प्रायर होना चाहिए ऐसे नहीं कि गेस्ट सर्वर को पता ही नहीं कि बिल किसको देना है बेचारे गेस्ट आए हुए हैं सर्वर ने खाना खुना ऑर्डर कर दिया बिल बेचारा कोई सीखे मेरी तरह बंदा किसी गेस्ट को दे दिया अब नाउ ही विल फील एम्बैरेस्ड कहीं बिल ज्यादा हो गया 12-15 हज़ार का इतना पैसे भी नहीं है अब मैं क्या बोलूं तो ये सब सेटलमेंट हमें पहले कर लेनी है एंड बीइंग अ होस्ट जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे इवेंट्स तो मेक श्योर कि यू टिप आल्सो थोड़ा टिप करें दिस इज बेसिक एटिकेट्स कि ये भी जरूरी है बट कुछ कंट्रीज में इट इज कंसिडर्ड इलीगल इट इज नॉट दे डोंट फेवर टिप्स बट कई रेस्टोरेंट्स आपके कई होटल कई आपके कंट्रीज इसको अलाउ करते हैं कई कंट्रीज आपके जो टिप्स है सर्विस चार्ज के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं इसको ठीक है तो उसमें टिप नहीं दे सकते बट अगर इफ यू आर हैप्पी विद द सर्विसेज यस आई वुड रिक्वेस्ट कि टिप दीजिए चाहे वो ऑटोमेटिकली आपके बिल में एडजस्टेड है या यू वॉन्ट टू पे तो इट डिपेंड्स ठीक है क्लियर हो गया एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट कुछ और पूछना हो फोन ऊपर नहीं रखने का भाई ध्यान रखने का ठीक है योगिता अगर यहाँ फोन रखा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी बस हो गया प्रॉब्लम क्या होगी कट दे